पुलिस विरोध में एसडीएम को ज्ञापन। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरौद थाना अंतर्गत खाचरौद पाटीदार समाज का पुलिस विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस द्वारा हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है। खाचरौद थाना के चिरौला गांव का युवक राहुल पटेल पिता राधेश्याम 31 अक्टूबर को इंदौर कपड़े खरीदने का कहकर निकला था, जिसका शव 3 दिन बाद नागदा बिरला ग्राम भारत कॉमर्स स्कूल के पास पेड़ से लटका मिला। लाश के पास से एक बैग और पाइप मिली। शव मिलने के बाद नागदा बिरला ग्राम पुलिस जांच में जुटी, जिसके अनुसार पीएम ने रिपोर्टर में आत्महत्या बताया, जबकि परिजनों ने हत्या बताया है। राहुल के वापस न आने और मोबाइल नहीं लगने पर युवक की गुमशुदगी खाचरौद थाने पर करी गई, लेकिन खाचरौद पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और 3 दिन बाद लाश मिलती है, जो कि साजिश के चलते हत्या हुई थी। पुलिस इसकी जांच और खुलासे करने में दिल पोल कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 80 दिनों में खाचरौद थाना के पाटीदार समाज के 3 युवकों की हत्या हो चुकी है, जिसमें 29 अगस्त को नापाखेड़ी, 31 अक्टूबर चिरौला और 14 नवंबर मड़ावदा के युवक हैं, जिसमें मड़ावदा हत्या का खुलासा हुआ है और 2 मामले में हत्यारे पुलिस के कब्जे से दूर हैं। देखिए खाचरौद से मुरलीदास पैरागी की यह रिपोर्ट। दिन पहले राहुल पाटीदार की हत्या हो गई थी यहाँ पर बिरला ग्राम भारत कॉमर्स स्कूल के ठीक सामने, और उसके लिए पाटीदार समाज संगठन वहाँ के सीएसपी महोदय, थाना प्रभारी महोदय सबसे मिले और उनको बोला कि भैया इस घटना की जांच होना चाहिए, फॉरेंसिक टीम भी आई है। उस घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, इससे पाटीदार समाज संगठन आक्रोश में है। आप जो चिरौला कांड का किसका क्या मानते हैं, आप किस तरह से हत्या हुई है, क्या है ये मामला? 31 तारीख से वो घर से लापता था, उसकी गुमशुदगी खाचरौद थाना में दर्ज करवाई गई थी। अगर खाचरौद थाना प्रभारी अगर इसकी सूझबूझ दिखाते हुए इस मामले की वास्तविकता उस समय जांच कथन कर देते तो उसकी हत्या नहीं होती, जिसके पश्चात वो करीबन 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद नागदा में उसका पेड़ पर लटका हुआ मिला। इनका बोलना है पुलिस प्रशासन का, जब तक वहाँ परिजन गए उस समय वहाँ से लाश उतार ली गई थी, तो पुलिस प्रशासन की ओर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए समाज में आक्रोशित है। अभी कोविड-19 को देखते हुए हर गांव से हमने एक एक को बुलाया है, आगे भविष्य में अगर हमको वास्तविकता में न्याय नहीं मिलता है तो चक्का जाम, आंदोलन, रोड पर बैठना पड़े, सब करने के लिए समाज मजबूर हो जाएगा प्रशासन के सामने। पुलिस प्रशासन द्वारा परिजनों को निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया, जिसकी आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस के द्वारा आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है एवं परिजनदार प्रशासन एवं प्रशासन और शासन रहेगा। हनुमान जी, उसमें जिस दिन वो घर से गया था शाम को घर नहीं लौटा, परिजनों ने उसके जो मामा परिवार वालों ने एक गुमशुदगी खाचरौद थाना में कहां पर दर्ज करवाई थी, अगर खाचरौद थाना की सूझबूझ और एक टीम गठन हो जाता और उसी समय से उसको ढूंढना जारी कर देती तो आज उसकी हत्या नहीं होती।